सबसे पहले एक फूल का शेप यानी कि दो पत्तों का शेप कैसे निकालना है, दो तीन मेथड हैं। एक तरीका यह है कि इसको यहाँ से सेलेक्ट करें, इसको यहाँ पे रखें, कर्व करें, इसको यहाँ पे क्लिक करके कर्व करें, ठीक है, क्लिक करें यहाँ से, और यहाँ से इसको क्लिक करके ऑल्टर के साथ इसको थोड़ा सा कम कर दें, फिर इसको क्लिक करें यहाँ से, रोटेशन ले लें यहाँ से इसके इस पॉइंट पे एक रख लें, और फिर इसको इस तरह से घुमा दें, कितने पॉइंट पर आप घुमा रहे हैं इसको, क्लिक करके इसका एक रिफ्लेक्शन लें, फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन लेके इस पर क्लिक करें यहाँ पे, तो इसका एक रिफ्लेक्शन इस तरह से आएगा, तो ये एक इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। दूसरा डिज़ाइन अगर बनाना है वो थोड़ा सा इससे भी फ्लेक्सिबल होगा थोड़ा सा, तो उसके लिए फिर इस तरह से एक शेप लिया हमने, क्लिक किया यहाँ से दोनों को, यहाँ से इसको कर्व किया, इसको कर्व किया यहाँ पे, और इस पर क्लिक करके इसको फिर डायरेक्टली हम 45 डिग्री पे यहाँ से रोटेट करेंगे, तो रोटेशन का टूल लेंगे, ऑल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके यहाँ से 45 डिग्री पे इसको यहाँ से कॉपी कर देंगे, ये इधर आ गया, ठीक है। इसमें यहाँ से क्लिक करके फिर एक रिफ्लेक्शन का फिर से टूल लेंगे, ऑल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे क्लिक करके इसकी कॉपी ले लेंगे। एक इस तरह का फ्लावर भी बन सकता है इसी का, फिर आप अगर डुप्लीकेट करके यहाँ से ले लें, इसको क्लिक करें यहाँ से हटा दें, तो ये इसका ये वाला भी शेप क्रिएट हो सकता है। तो ये दो तीन शेप आप इस तरह से इसके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसी को दोबारा लेके चलते हैं आगे, इसमें अगर कोई डिज़ाइन ऐड करना हो तो फिर इसमें आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से क्लिक करके एक इस तरह का डिज़ाइन या इस तरह का डिज़ाइन कोई इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जो थोड़ा सा कर्व हो इसके अंदर, इस तरह से इस तरह का शेप बना लें, फिर इसके अंदर आप इसके साथ जो डिज़ाइन ऐड करेंगे इसके साथ, वैसे डिज़ाइन जो ऐड होगा वो तो प्रॉपरली ये वाला होगा क्या, इसके साथ एक रिफ्लेक्शन निकालें इसका, और रिफ्लेक्शन रोटेशन है, तो इस रिफ्लेक्शन निकालेंगे इसका हम इसका यहाँ से, और रिफ्लेक्शन जो हम निकालें ऑल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक करें, और ये इसका एक रिफ्लेक्शन इस तरह से निकल के कॉपी ले लें उसकी, एक कॉपी क्लिक करें यहाँ पे क्लिक करके, और इसको इस तरह से रखें, आई थिंक ठीक है ना, और इसे रखें या इसको हम यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे घुमा के, इस तरह के डिजाइन में भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके साथ वही ऊपर वाला सीन करना चाहें तो उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करके रोटेट करना पड़ेगा, और रोटेट करके इसको हल्का सा फिर इसके साथ यहाँ से क्लिक करके रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा, और रिफ्लेक्शन लेके इस पर क्लिक करेंगे, वर्टिकल रिफ्लेक्शन पे कॉपी करेंगे, तो ये इस तरह का भी एक फ्लावर्स की जो बेल का डिज़ाइन आप इसमें से एक निकाल सकते हैं। तो ये देखें एक डिज़ाइन, दो डिज़ाइन, तीन डिज़ाइन, अब एक और देख लें जो हम निकालना चाह रहे हैं, इसमें से क्लिक किया यहाँ से हमने इसको इस तरह से बनाया, और फिर इसको यहीं से क्लिक करके हमने क्या किया, इसको चारों सेलेक्ट करके, और चार से हो नहीं पाएगा, एक को करें पहले, इसको इस तरह से कर दिया, इसको यहाँ से भी इस तरह से कर दिया, और इसको यहाँ भी इस तरह से कर्व्स इसके जो है ख़त्म कर दिया हमने, फिर ठीक है ये इस तरह का डिज़ाइन निकला, फिर इसको साइड्स को दोबारा पकड़ा, इसको दोबारा से हमने कर्व में कन्वर्ट किया, और इसको भी कन्वर्ट किया, तो ये देखें किस तरह का भी शेप निकल आएगा इसका, ठीक है। फिर इसको भी यहाँ से क्लिक करके आप इसको डिफरेंट एंगल्स के अंदर, जैसे कि अगर इसका ऊपर वाला हिस्सा भी दोबारा से गोल करना चाहें तो फिर देखें उसमें कैसा इफेक्ट आता है, लेकिन फिर अजीब हो जाएगा, हाँ, लेकिन अगर कोई इस तरह का शेप बनाना हो तो वो ऐसे आराम से बन जाएगा, लेकिन इसको इसी को यूज़ करते हैं। इसको क्लिक करके हमने यहाँ से थोड़ा सा रोटेशन लिया यहाँ से क्लिक करके, और रोटेशन लेके हमने यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक किया, और इसको यहाँ पे इस तरह से आगे कर दिया, कितने डिग्री पे कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से एक रिफ्लेक्शन लिया ऑल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको इसका वर्टिकल लेके कॉपी कर दिया, तो ये देखिए इस तरह का शेप भी आप इसके अंदर से एक निकाल सकते हैं। थोड़ा सा दूर करना चाहें तो उसको यहाँ से थोड़ा सा दूर कर सकते हैं, ये इस तरह का भी मामला इसके साथ हो सकता है। तो ये दो चार किस्म के जितने भी इसके शेप्स हैं वो आप इजीली इसके अंदर निकाल सकते हैं, जो फ्लावर की बेल वगैरह बनाने के काम में आते हैं। और भी अगर अच्छा कोई शेप आप निकालना चाह रहे हैं तो निकालने, मैंने इन सबकी कॉपीज आपको बना के दिखा दी कि किस तरह से ये बन रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी जो वो हम पूरी बेल किस तरह से बनाएंगे, तो देखें अगर इनमें से कोई भी शेप लेके आप एक सर्किल पे घुमाना चाह रहे हैं, सर्किल के सराउंडिंग्स पे घुमाना चाह रहे हैं, तो एक सर्किल ले लें आप, पहले क्लिक करते हैं यहाँ पे 300 बाय 300 का एक सर्किल ले लेते हैं, ये क्रिएट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर पूरा सही इस पर राउंड करवाऊँ, तो कोई भी शेप जो आप इस पर राउंड कराना चाह रहे हैं उसको क्लिक करेंगे यहाँ से, और जैसे कि ये वाला शेप ले लें, ये वाला ले लें, ये वाला ले लेते हैं हम एक तरह से, ये वाला, तो इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से, और उसको यहाँ से लेके इसको अंदर क्या राइट बटन दबाया, ग्रुप कर दिया। अब इसको किस तरह का बनाना है तो उस पर क्लिक करके यहाँ से मैंने इस पर एक लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन अनग्रुप करना पड़ेगा क्योंकि कलर मुझे चेंज करना है, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और उसको लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन करके मैंने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से मैंने इसका जो ये था इसको ओपन कर दिया, और ये इस तरह से बन गया। इसके बाद राइट बटन दबा के मैंने इसका ग्रुप कर दिया,
अब देखिए मैं इसके साथ कैसे यूज करने वाला हूँ उसको, साइज वगैरह सब सेट कर लें आप इसका। तो ये दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, सर्किल को भी और इसको, और क्लिक किया यहाँ पे, क्लिक किया, बेस बनाया इसको, सेंटर किया और उसके बॉटम पे लाके सेट कर दिया। जब मैंने इसको बॉटम पे सेट किया, सर्किल में असल में व्हाइट कलर भरा हुआ है तो उसको नो फिल कर देते हैं। अब ये सामने आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करके रोटेशन लिया मैंने, यहाँ से रोटेशन पे क्लिक करके यहाँ से इसके बेस पे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके ये इसके रोटेशन पे मैंने इसको इस तरह से सेट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको ऑल्टर के साथ क्या करना है ऐसे, अब ये देखना है करना क्या है। पहले इसको सिलेक्शन से हटाएं, ये आपका ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से रोटेशन लेना है और रोटेशन लेके सर्किल का सेंटर पॉइंट निकालना है, ऐसे रखेंगे सर्किल के एज पे, तो ये आ गया इसका सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पे आपने क्लिक कर देना है। अब क्या करना है कि आपने इसको ऑल्टर के साथ ऐसे मूव कराना है, ऑल्टर के साथ इसको ऐसे मूव कराना है, तो इसकी कॉपी निकल आएगी, फिर ऑल्टर को रिलीज कर देना है, फिर कंट्रोल डी दबाएंगे और दबाते जाएंगे कंट्रोल डी, और ये इसको ऐसा पूरा करके बना देगा। सही समझ में आई बात ये, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा शेप आपका निकल आया। अगर ऐसा ही शेप बनाना है तो ऐसा बना लो, गोल्डन के साथ बनाओ, जिसके साथ भी बनाओगे वो बन जाएगा। अब एक तो शेप हो गया ऐसा बनाना है, अब हमने क्या करना है कि ऐसा नहीं बनाना है, इस पर थोड़ा सा चेंज करना है। मैंने इसका एक डुप्लीकेट ले लिया नीचे। चेंज क्या करना है कि यार इसको ना दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो मैंने क्या किया यहाँ से क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन था, तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे करके दो हिस्सों में ऐसे करके डिवाइड कर दिया। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये देखें सिलेक्ट हो गया, और उसके बाद डिलीट का बटन दबाया तो ये डिवाइड हो गया। अभी आगे एक छोटी सी डंडी बच गई है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो ये भी डिलीट हो गई। तो ये देखें एक शेप इसमें से ऐसा निकल आया, ये बिल्कुल सर्किल का हाफ हमने इस पे बना के इस पे रखा है, ठीक है। अब ये जो आगे डंडी खाली है, अब इसको क्या करना है, इस पे कोई पत्ती वगैरह लगानी है तो वो आप लगा सकते हैं। हमने शेप तो बना के रखे हुए, ये किस तरह की लगानी है, जैसे इस तरह का फूल लगाना है, इस तरह का फूल लगाना है, इस तरह का लगाना है, कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है। तो चले हम इसके ऊपर ये वाला फूल लगा देते हैं। ये वाला फूल लेके हम इसको यहाँ से ले आते हैं और इसको ले जाके हम इसके फ्रंट पे जो उसका मुंह है उस पर लगाते हैं। तो यहाँ पे ले जाके हम इसको रखते हैं यहाँ पे, और फिर इसको इस तरीके से जूम कर लेते हैं, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। और यहाँ पे क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट नहीं लिया हमने, ओरिजिनल लिया, डुप्लीकेट ही है, सही है। तो यहाँ पे क्लिक करके हमने पहले इनको एक कलर स्कीम में डाल देते हैं, जैसे हमने इसको एक डार्क ग्रीन कर दिया, इसको भी डार्क ग्रीन कर दिया, और बीच में इसके लाइट ग्रीन कर दिया, इस तरह की स्कीम बना के हमने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ से इसके आउटलाइंस को ख़त्म कर दिया, यहाँ से हमने इसके जो अंदर के मामला थे उसको ऐसे रखा, और उसको क्लिक करके ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद इसको इस एंकर पे ला के, थोड़ा सा ये बड़ा है तो शिफ्ट के साथ मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया ताकि छोटा सा बन जाए, और उसके बाद इसके इसके इस पॉइंट पर रख के, इस वाले पॉइंट पर रख के मैंने यहाँ से रोटेशन पॉइंट लिया और रोटेशन का बेस यहाँ पे सेट किया और इसको इस तरीके से घुमा दिया, ठीक है। तो बस चेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके रोटेशन पॉइंट लिया और रोटेशन को यहाँ पे रख दिया, यहाँ से क्लिक करके हमने इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो ये देखें इसका ऐसे घूमने के बाद ये ऐसा नज़र आ रहा है, और इसके बाद इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया हमने इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखिए इसके फ्रंट के ऊपर ये बन गया, ठीक है। अभी बिल्कुल गोल है ना, गोल के ऊपर हमने इस तरह से इजीली बना दिया। अब सबको सेलेक्ट करके हमने क्या किया, इसको ग्रुप भी कर दिया। ग्रुप करने के बाद इसको क्लिक किया और यहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन वाला टूल लिया, रिफ्लेक्शन टूल लेके इसके ऑल्टर के साथ इस पॉइंट पे क्लिक करके इसका एक कॉपी लेके रिफ्लेक्शन ले लिया। रिफ्लेक्शन लेने के बाद अब क्या किया, इस वाले पे क्लिक किया, इसको लेफ्ट वाले बटन से थोड़ा सा दूर कर दिया। तो ये देखें इस तरह का भी डिज़ाइन आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब बीच में जो भी सिस्टम चाहें बना सकते हैं, कलर्स स्कीम्स वगैरह जो भी डालें, बीच में कोई गोल लोगो है, चारों तरफ इस तरह का जो मामला है इजीली कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से हमने इसका बना लिया, ठीक है, समझ में आई ये बात। अच्छा, एक तो सिस्टम आपका ऐसे बनेगा। अब ये तो था सर्किल का, सर्किल के ऊपर कैसे इस चीज़ को अप्लाई करना है। अब सर्किल नहीं है, कोई भी शेप हो सकता है, किसी भी शेप पर अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। अब उसके लिए फिर हमने क्या किया कि एक डिज़ाइन लेते हैं, सपोज तो चलें ये वाला डिज़ाइन ले लेते हैं। इस डिज़ाइन का एक कॉपी लिया हमने, तो उसके लिए क्या सलूशन है कि आप इस कॉपी को लेके इसमें जो भी काम करना है वो कर लें। जैसे कि हमने इसको यहाँ पे एक लाइट ग्रीन दे दिया और लाइट ब्लू दे दिया और इसको एक डार्क ब्लू दे दिया, तो ये हमने यहाँ पे बनाया, सेलेक्ट कर दिया इसको यहाँ से और ग्रुप कर दिया इसको यहाँ से, आउटलाइंस को हमने ख़त्म कर दिया, उसको क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, दोनों को सेलेक्ट कर दिया, ऑल्टर के साथ शिफ्ट का बटन दबाया और बिल्कुल मामूली सी गैप के साथ इसको यहाँ से हमने इसका एक डुप्लीकेट ले लेना है, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल डी दबा के कंटिन्यू कर दिया इसको, ये चलता जाएगा आगे, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, इस तरह से आपने इसको कर दिया।
ठीक है, अब आपने क्या करना है इसको, आपने सिर्फ ये करना है, विंडोज में जाना है, यहाँ से ब्रशेस को ऑन करना है। ब्रशेस जब आपके सामने ऑन हो जाएंगे तो आपने इस पूरी बेल को इस तरह से सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब इसमें देखें ये उल्टे और सीधे का चक्कर भी है कि ये इस तरह से बना हुआ है। अब अगर आप वो नोक वाला पॉइंट ऊपर रखना चाहें, शिफ्ट के साथ ऐसे घुमा दें इसको, फिर इसके अंदर आप इस तरह से ऐड कराएंगे, इसको पकड़ के इसमें डालेंगे। ऐड कराने के बाद इसको आर्ट ब्रश पर रखेंगे, ओके करेंगे और इन दोनों पर चेक लगा दें और इसको क्लिक करके क्या करेंगे, ओके कर देंगे। अच्छा, स्केल प्रोपोर्शनल पे भी चेक लगा दें, स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक, ठीक, और इसको ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे ये इसमें ऐड हो जाएगी। जब ये ऐड हो जाएगी तो अब आप जिस शेप पे भी इसको लगाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने इस शेप पे लगाना चाह रहा था, तो अगर इस शेप पर लगाना चाह रहा हूँ तो इसको एक डुप्लीकेट करके इस शेप को पहले मैंने इसमें से निकाल लिया, ठीक है, और इस शेप को मैंने निकालने के बाद इस शेप का जो है एक साइड जो है पहले मैं रिमूव करूंगा, क्योंकि ये ऐसे करूंगा, इसको राइट साइड डिलीट कर दूंगा ये साइड। अब एक साइड पे मैं इसको इजीली यहाँ पे क्लिक करके इसे अप्लाई करूंगा, तो ये देखिए इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब जिस शेप पे भी क्या है अप्लाई कर सकते हैं, और फिर मैं इसका रिफ्लेक्शन यहाँ से इसके अल्टर के साथ क्लिक करके यहाँ से एक रिफ्लेक्शन ले लूंगा, कॉपी करूंगा, तो ये देखें इसका इस तरह का एक रिफ्लेक्शन बन जाएगा, समझ रहे हैं। इसको ग्रीन शेड में, ब्लू शेड में जिस पर लगाना चाहें लगा दें, और उसके बाद जो है यहाँ से इसको एक ग्रुप कर लें फिलहाल थोड़ी देर के लिए। ग्रुप कर लें, और अब इसके अंदर अगर ये बाहर कहीं भी इसके साथ एडजस्ट करना है मुझे, तो मैं इसको ले जाके इसके अंदर अगर एडजस्ट करना है तो यहाँ पे रख के, या ऐसे ही बना के रखना है तो इस तरह से छोटा करके इसके अंदर ऐसे भी लगा सकता हूँ, ठीक है। और अगर बाहर रखना है तो बाहर, जैसे मैंने ये दो अलग अलग करके लगा दिए, आप इनको बाहर भी अलग अलग करके ग्रुप अनग्रुप करके एक इस साइड पे और एक साइड पे लगा दें। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ब्रशेज वाला, ये जैसा शेप होगा उस पर ये अप्लाई हो जाएगा, जैसा भी शेप हो। ये मैंने इसके लिए बनाया आपके लिए, क्योंकि वो हमारे इसमें ऐसा था तो मैंने नहीं बनाया था। जैसे कि अगर हमारे पास एक ये वाला शेप है और इस पर अप्लाई करना है, तो देखिए इस पर क्लिक कर दें, इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। और जैसे अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है तो उस पर अप्लाई करना है, तो ये देखिए उस पर भी अप्लाई हो जाएगा, देख रहे हैं। तो इस तरह के मामला कोई भी डिज़ाइन पैटर्न के तौर पे, आर्ट ब्रश के तौर पे आप ऐड करा देंगे, तो वो उस तरह के तमाम जितने भी शेप्स होंगे जिन पे आप क्लिक करेंगे, वो उन पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होता चला जाएगा। रही बात साइज की, तो फिर आप वो डबल क्लिक करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से देखें थोड़ा सा कम कर लें इसको, ओके करें, लीव स्ट्रोक करें इसको, तो फिर ये थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम में और छोटा करके या किस तरीके से अप्लाई होगा, ये देखें छोटा हो गया साइज, और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, सपोज टू भी 50% कर देता हूँ मैं इसको, ओके कर देता हूँ, लीव स्ट्रोक कर देता हूँ। और जब आप सेकेंड टाइम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा इस तरह का अप्लाई हो जाएगा, देख रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आप इसमें कर सकेंगे, अगर इसको स्क्रेच बिटवीन गाइड्स रखेंगे और उसको ओके करेंगे, लीव स्ट्रोक करेंगे, इस पे क्लिक करके इस पे इस तरह से दोबारा से अप्लाई करेंगे, तो कोई खास चेंज तो नहीं आया इसके अंदर। ये पुराना हो गया, ये नया वाला हो गया, पुराना वाला छोटा था तो देखिए इसमें इस तरह के शेप्स बन रहे थे, और जो बड़ा किया तो वो थोड़ा सा और बड़े शेप्स बन गए। तो इसमें ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और इजीली ये इसके ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट राइट डाउन अप, डायरेक्शन क्या रखनी है, किस डायरेक्शन से ये अप्लाई हो। अगर इस डायरेक्शन से अप्लाई करेंगे तो हम क्लिक करके अब जब इस पर अप्लाई करेंगे तो ओहो, ये तो बहुत बुरा हो गया, ठीक है। तो बहरहाल इसमें बुरी चीज़ों को भी देखते रहें। अब जिसको डिलीट करना है इसमें से, तो उसको आप शूट कर लें और उसको डिलीट कर दें यहाँ से, तो वो डिलीट भी हो जाएगा। तो इस तरह मज़े मज़े के जो भी पैटर्न चाहें आप बना के रख सकते हैं। ये फूल का हो सकता है, कोई भी डिज़ाइन बनाएं, तो बॉर्डर्स बनाना चाहें बॉर्डर के पैटर्न भी बन जाएंगे, बस इसके अंदर ऐड कराएं और वो ऑटोमेटिकली सबके ऊपर इजीली अप्लाई कर देगा। और इस तरह का काम करना चाहें तो ये इस तरह की चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अप्लाई के साथ, किस तरह से ये चीज़ें इस तरह से इसमें क्रिएट हो रही होती हैं, लोगों के अंदर ये चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है।